ये देखे ना कितनी घटिया सोच है इनकी। मोहब्बत में क्या दिया, क्या हमें बीफ नहीं मिला? पाकिस्तान की टीम को जो है वो बीफ नहीं दिया जा रहा इंडिया में। कुछ घटिया ऐसे लोग हैं जिन्हें कल से खबर फैलाई हुई है कि पाकिस्तानी टीम को अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। भाई किसे को कैसे बोला है? मैंने हाय अल्लाह मैच पाकिस्तान हार गया, मैं लुट गई, मैं पिट गई। इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह का वार्म वेलकम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओ भारत के बच्चों, बात को अंडरस्टैंड किया करो, बात को अंडरस्टैंड कब करोगे आप लोग? तुम्हारा जो मीडिया है वो ऐसी घटिया किस्म की बातें फैला रहा है यार। ये कोई बोलने वाली चीज है या देखने वाली चीज है कि जो हमारे खिलाड़ियों को बीफ नहीं मिला है? जब से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया आई हुई है तब से कुछ ना कुछ आए दिन एक नया बवाल देखने को मिलता है। जैसे कि आजकल पाकिस्तानी मीडिया में जम के तूल पकड़ा हुआ है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा है, खास करके उन्हें खाने में बीफ नहीं दिया जा रहा है। देखो अगर आप इंडिया में हो तो आप तो भूल जाओ कि आपको बीफ मिलने वाला है। अच्छा, ये बहुत जल्द खबर आने वाली है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बीफ नहीं दिया गया, इसीलिए वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर हो गए हैं। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक ने कुछ बोला है, आइए सुनते हैं। बीफ खिलाओ, ये क्या मतलब कि छोटे लोगों वाली बात कर दी? बीफ उन्होंने कभी खाया नहीं ना, उधर जाके खा रहे हैं अब। हाँ। और तो कोई बात नहीं है। सारे कहते क्या इतने दस कंट्रीज के लोग वहाँ पर आए, हर एक का खाना पीना रस्म और रिवाज, किसी ने नहीं कही से पाकिस्तानी बोले भाई बीफ खिलाओ बीफ खिलाओ। बस उनको मेरे ख्याल से तो उनको पसंद हो गए जिस वजह से उन्होंने कह दिया होगा, लेकिन वो पाकिस्तान में उनसे भी अच्छे रेसिपी है, ये तो नहीं है कि उधर ही खा ले जाके वो इधर आके खा ले। लेकिन फिर भी आपको पता है हमारा मूल जोन से मारे जो से पाकिस्तान कहीं ना कहीं जाके ऐसी बात कर देते हैं। कर देते ना छोटी बात कर देते हैं। कल का ज़का अशरफ का वो इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें उन्होंने कहा दुश्मन मुल्क में मारा पाकिस्तान, मतलब हालांकि उन्होंने कितना अच्छा वेलकम किया, कितना अच्छा, और इन्होंने सारे किए किराए पे पानी फेर। देखें जी, बात यह है कि ऐसी बात या तो अगर करनी है तो फिर आप अपनी टीम को ना भेजो, और अगर आपने अपनी टीम को भेजा है तो आप बजाय इसके कि आप उनका शुक्रिया अदा करो कि यार आपने इतना अच्छा वेलकम किया हमारा, आप उनको ऐसे बोल रहे हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। आप इंडिया गए हो, इंडिया ने आपका वेलकम किया, इतना ज़बरदस्त उन्होंने वेलकम किया, आपको खाने में हर एक चीज़ दी गई है, आपको खाने में क्या वो चीज़ें दी गई हैं, आपको बिरयानी, आपको चांपे, आपको मीठे में, आपको नमकीन में, हर एक चीज़ दी गई है, और उनके रिलीजन का तो रिस्पेक्ट कर लो। इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह का वार्म वेलकम हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे, लेकिन इतना वार्म वेलकम उनने किया, और ये चीज़ समझनी चाहिए लोगों को। इंडिया का तो फायदा ही फायदा। अच्छा, हाँ जी, और क्या इंडिया में हो रहा है, उनको तो सब कुछ उनके पास है। है, और वैसे भी जिस हिसाब से देखा ना तो इंडिया ने तो जितना वर्ल्ड कप। चलो पर पहले, अच्छा ये क्यों कह रहे हो कि इंडिया ने जीतना है, मतलब खेल से पहले कह रहे हो? आपने कल का मैच देखा? हाँ, देख लिया, वार्म अप मैच था। हाँ। देखने का दिल किया बाद में, अब तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वार्म अप मैच है, ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि वो भी हार गए, तो आगे से उम्मीद यही लगा लो कि छोटी टीम से जीत जाना है, बाद में वही मुंह लटका आगे आएंगे, हमने तो परफॉर्मेंस अच्छी करने की कोशिश की है। पाकिस्तान टीम को इंडिया में जो है वो खाना सही तरह नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा, डंडा नहीं दिया जा रहा, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बाबर आजम पागल का बच्चा है जिसने जो है वो इंस्टा पे स्टोरी लगा दिया कि जी हमें बड़ा जबरदस्त वेलकम मिल रहा है। शाहीन अफरीदी पागल है, रिजवान को किसी पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि उसने स्टोरी लगाई है कि इंडिया में जबरदस्त वेलकम मिल रहा है, जबकि तुम्हें मालूम है कि उनके रिलीजन में ये नहीं खाया जाता, नहीं यूज किया जाता। फिर तुम कम अज कम यार अपनी बकवास करने से पहले ये सोच लो कि यार ये तो देख लो कि उनके रिलीजन में क्या चीज अलाउ है और क्या नहीं अलाउ है। तो आपने वीडियो में देख लिया कि पाकिस्तानी पब्लिक ने किस तरह से बोला है। खैर, इसकी खास बात यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम का ग्रैंड वेलकम इंडिया में हुआ है, इसकी ना तो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को उम्मीद थी और ना ही किसी पाकिस्तानी पब्लिक को थी। इंडिया का रिवाज है कि अगर दुश्मन मुल्क भी आता है तो उसका स्वागत इसी तरीके से किया जाता है, लेकिन ये स्वागत सिर्फ ग्राउंड के बाहर तक ही है, ग्राउंड के अंदर आपको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिसके लायक आप हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब तक के लिए राधे राधे।